जय माता दी आपको। बातों से मुकरने की शख्सियत नहीं रखते हम, इसीलिए किसी से झूठे वादे नहीं करते हम। कहते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में पारस गुरु जी के द्वारा किए एक वादे की सुंदर सी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बात है गुरु जी के प्रोग्राम की, जब एक बुजुर्ग माँ जो गुरु जी से मिलने आई थी, पर उस माँ का नंबर प्रार्थना सभा में नहीं आ पाया, जिस कारण वे बहुत निराश हो गई। प्रार्थना सभा में मैं गई, पिछली बार भी गई थी और इस बार भी गई हूँ। गुरु जी हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी से बात करते हैं। और ऐसे में जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो जाते हुए गुरु जी ने देखा कि एक बुजुर्ग माँ बाहर खड़ी रो रही है। उनके जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मेरे को धक्के दिए, तो उन्होंने फिर मेरे को सॉरी कहा, माता जी आप, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो उसी समय वो वहाँ खड़े हो गए और माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? तब उस बुजुर्ग माँ ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप मेरे घर आए। तो गुरुजी ने कहा, हे माँ, मैं जरूर तेरे घर आऊँगा, मैं आपके घर में आऊँगा। और अपने वादे को पूरा करने के लिए वो अगले दिन ही उस बुजुर्ग माँ जो कह रही थी कि वो बहुत गरीब है, उस माँ के घर पहुँच गए। बस फिर क्या, माँ अपने बेटे से मिल इतनी खुश हुई कि जिसे बयां करना मुश्किल है। मेरी नजर मैया साटे उत्ते कर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा तो रोम रोम खिल गया है। मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद उनसे करती हूँ, उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ बताया है, सब कुछ। उनके आने से मेरे को बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत खुश, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गुरु जी पर ये बात बिल्कुल सच बैठती है कि अगर आपने मुझे लाखों को देख कर चुना है, तो यकीन से मेरा भी ये वादा है कि मैं तुम्हें करोड़ों की भीड़ में ना तो कभी अकेला रहने दूंगा और ना ही कभी खोने दूंगा। प्रार्थना सभा में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, सब लोग इतना नाचते हैं कि इसी खुशी में, क्योंकि सबको फर्क पड़ रहा है, सबके बच्चे ठीक हो रहे हैं, सबकी परेशानियां खत्म हो रही है, तो सबको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगा है प्रार्थना सभा में जाकर। जय माता दी।